बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, बोले कट्टर भ्रष्टाचारियों का हुआ जमावड़ा, परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने वाले एक साथ आए। अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता पर आज दूसरे दिन भी महामंथन। 2024 की रणनीति पर चर्चा के लिए जुटे 26 दल। गठबंधन के नए नाम का आज हुआ ऐलान। दिल्ली में थोड़ी देर में एनडीए की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जुटेंगे 38 दलों के नेता। बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे कई नेता, कई नए दल भी बैठक में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मोदी सर ने मानहानि मामला। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका दायर। 21 जुलाई को होगी मामले में सुनवाई। सहारा सहकारी समिति में डूबी हुई रकम पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल किया लॉन्च। निवेशकों को जल्द मिलेगा उनका डूबा हुआ पैसा। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट का आदेश, 20 जुलाई को मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर किया, 4 AK-47 और पिस्तौल बरामद। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का सच जानने के लिए कराया जा सकता है लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफी टेस्ट। मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर से सवाल जवाब। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा।